नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो लगातार हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। इस बार सातवां वैवाहिक परिचय सम्मेलन भव्य तरीके से होने जा रहा है। हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी हैं। कौशिक साहब, क्या कहना चाहेंगे सातवां ब्राह्मण वैवाहिक परिचय सम्मेलन? राहुल जी, सर्वप्रथम भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस अपनी संस्था के लिए इतना प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। जैसे कि आपने पूछा कि भाई अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश एक सातवां ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन जो है वो करने जा रहा है 29 अक्टूबर 2023 को अनूप वाटिका बाबरपुर बस स्टैंड मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास में। 2019 में भी अपने ब्राह्मण महासम्मेलन इसी ही अनूप वाटिका में किया था, बहुत भव्य था और बड़े बड़े हमारे समाज सेवी और अधिकारी जो ब्राह्मण समाज में किसी ना किसी प्रकार से योगदान देते रहते हैं, उन्होंने हमारा सम्मान किया और हमारे उस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब की बार भी क्योंकि बीच में कोरोना टाइम था तो वो किसी वजह से हम लोग बीच में दो साल कोई आयोजन नहीं कर पाए और वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी हमारा नहीं हुआ था पिछले चार सालों से, तो अब हम पुनः 29 अक्टूबर को एक भव्य ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं। तैयारी की बात करें तो किस तरीके की तैयारी है कि हम पूरी दिल्ली में अपने हमारे 7 जिले हैं और 70 विधानसभा हैं। हम लगभग 5-6 विधानसभाओं में अभी तक बैठक कर चुके हैं और वहां के 25-30-40-50 लोगों को एकत्रित करते हैं और उन लोगों को हम फार्म देते हैं कि भाई अपने आसपास पड़ोस अपने बच्चों के आप बायोडाटा फार्म भरकर हमें दें जिसका आपको लाभ मिलेगा। तो इसी तरीके से हम जो है पूरी दिल्ली में लगभग हर संडे को छुट्टी के दिन हमारी कोई ना कोई बैठक चलती रहती है। हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को 3-4 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि कुछ लोग किसी विधानसभा को देखते हैं, कुछ ही को कुछ देखते हैं। जमुना पार की जिम्मेदारी अधिकतर मुझे दे रखी है, मैं जमुना पार को देख रहा हूं। तो इस तरीके से हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है। अभी तक अगर हम बायोडाटा की बात करें तो कितने बायोडाटा अभी हमारे पास लगभग जो मुझे कल रात तक जो सूचना मिली है जो हमारे पास भरकर आ चुके हैं लगभग 27-28 बायोडाटा हमारे पास आ गए हैं। कोई ऐसा टारगेट कि हम इतने बायोडाटा या कोई दिक्कत? देखो टारगेट तो राहुल जी मैं आपको बता दूं, टारगेट तो ये पेट है भरता ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं 1,000-2,000 ब्राह्मण परिवारों की हम सेवा करें, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दिल्ली में हमने केवल मात्र 500 लोगों की 500 बच्चों की भी हमने सेवा की तो हम ये मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन कौशिक साहब, देखने में आ रहा है कि चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण समाज के ही लोग क्या नाम है इसके अंदर रुचि नहीं ले रहे हैं। राहुल जी देखिए, ऐसा है हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं जी। वे लोग भी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, हम उन लोगों को समझाएंगे। उनके लिए पार्टी प्राथमिकता पहले है, समाज दूसरे नंबर पे। देखो कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो राजनीति में हैं और वो राजनीति को अपने समाज से ऊपर मानते हैं, लेकिन मैं उन अपने सभी प्रिय भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि पहले समाज है बाद में राजनीति है। बिल्कुल ठीक बात है। उनको ब्राह्मण समाज के लिए भी अपने 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 समाजों के लिए भी काम करना चाहिए, लोकल में करें चाहे प्रदेश स्तर पर करें या राष्ट्र के स्तर पर करें। क्योंकि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उनके अंदर भी क्या नाम है ब्राह्मण समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां अगर दरी बिछानी हो तो सबसे पहले वहां उनका काम सबसे पहले कर लेंगे, कांग्रेस का काम कर लेंगे, आम आदमी का कर लेंगे, लेकिन जब ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम की बात आएगी तो बहुत पीछे पायदान पे नजर आते हैं। राहुल जी देखिए क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अपनी विचारधारा से और अपने अपने तर्क से जो है किसी भी चीज की तुलना करता है। वे व्यक्ति हमारे भाई जहाँ भी हैं बहुत ठीक हैं, लेकिन फिर पुनः मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि राजनीति बाद में है, समाज पहले है। जब हमारा परिवार ही नहीं रहेगा तो हम राजनीति कर कर क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। और एक मैं अपने ब्राह्मण समाज के जितने भी छोटे और बड़े लीडर हैं, मैं उनको सिर्फ मात्र और एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इतने बड़े ओहदे पर सत्यपाल मलिक जैसे व्यक्ति राज्यपाल होते हुए कई स्टेट का, और जब
बिरादरीवाद पर आया तो उसने जो है राजनीति को ठोकर मारकर अपनी समाज का अपनी बिरादरी का साथ दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि बाकी जीवन जो है वो बिरादरी के साथ जिया जाएगा ना कि राजनीति के साथ जिया जाएगा। तो उन लोगों को जो हमारे ब्राह्मण भाई राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी अपने समाज के प्रति ज्यादा नोछावर रहें और राजनीति भी करें, क्योंकि बिना राजनीति के भी समाज नहीं चलता है। हमें अलग अलग दलों के जो हमारे बंधु, हमारे भाई, हमारे बच्चे जितने भी राजनीति में हैं, क्योंकि हमें भी उनकी आवश्यकता है, तो वे अपने वहां काम करते करते साथ साथ में समाज के हित के लिए भी कार्य करें, मैं उनसे इस प्रकार की निवेदन करता हूं। तो ये थे हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। बायोडाटा लगातार आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे। 29 तारीख का भव्य सुंदर कार्यक्रम हो करके रहेगा, कोई साथ दे या ना दे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत।